फ्रेंड्स, एससीसी रीशेड्यूल में आपका स्वागत है। मैं स्माइली, आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। पिछले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना और इस ठीक है उसका उदाहरण देखिए। आज हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे, तो यहाँ क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। ठीक है, पहला है, फर्स्ट जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, ये है अर्थ के आधार पर। सेकेंड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, थर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब यहाँ जो है क्रिया विशेषण के जो भेद है, ये अर्थ के आधार पर चार भेद है। ठीक है, अर्थ के आधार पे चार भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ये प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। फर्स्ट है साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। और यहाँ पे अर्थ के आधार पर चार और प्रयोग के आधार पर तीन। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। ओके, तो हमने आज जाना कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके भी बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।